आज में जो फ़र्क है वो एक अदर एकेडमी और साइलेंट स्केटिंग कॉलेज में बताने वाला हूँ आपको। तो चलो आगे तक आओ और आगे और आगे और आगे और आगे। वियान कौन सी स्टेप है ये? गुड, वेरी गुड। टर्न भी देख लीजिए कितना स्मूथली टर्न करेगी ये बच्ची। पूरा टर्न दिव्यांशी, ओके। है ना, कौन सी स्टेप चल रही है आपकी? हाँ अर्णव, आपकी कौन सी स्टेप है? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका स्केटिंग कोच इमरान खान, किंग ऑफ स्केट, साहिल स्केटिंग कॉलेज से। दोस्तों आज मैं आपको साहिल स्केटिंग कॉलेज की कुछ खास बातें बताने वाला हूं जो अदर एकेडमी में नहीं मिलती है। क्यों साहिल स्केटिंग कॉलेज इतना फेमस है और क्यों इनके बच्चे स्केटिंग स्टेप्स या स्केटिंग डांस रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा आगे हैं, तो उसका रीज़न क्या है, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्यों कई लोगों ने बोला सर आपकी एकेडमी और दूसरों की एकेडमी में हमें ये जानना है कि क्या फ़र्क है, इम्पोर्टेंट आपका तरीका क्या है, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्तों साहिल स्केटिंग कॉलेज की जो खास बात है वो आज आपको मैं एज अ प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ कि क्यों साहिल स्केटिंग कॉलेज का नाम इतना ज़्यादा है और क्यों इनके स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। तो पहली चीज़ मैं बता देता हूँ कि ज़्यादातर एकेडमी, ज़्यादातर क्या ऑल ओवर इंडिया में या मैं सभी एकेडमी की बात करता हूँ, तो वहाँ पर होता क्या है कि राउंड होते हैं, वो कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं बच्चों को, जहाँ पे बच्चे आएंगे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, अगर जितने भी घंटे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड का राउंड करेंगे, ये ग्राउंड का राउंड। अब उसमें होता है क्या कि बच्चे 1 राउंड करते हैं, 2 राउंड करते हैं, 100 राउंड करते हैं, बोर हो जाते हैं, लुक अच्छा जाता है, स्पीड अच्छी हो जाती है, बट 1 महीने तक आप उन बच्चों को करवाएंगे रनिंग तो वो बोर हो जाएंगे। मेजर बात है मैं बता देता हूँ आपको कि हम यहाँ पर जितनी भी हमारी क्लासेस है, जितनी भी वेन्यू पर हम क्लास लेते हैं, वहाँ पर हम रनिंग से ज़्यादा हम स्टंट और डांस वगैरह या रिकॉर्ड के लिए जो प्रैक्टिस की जाती है वही हम करवाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये बच्चा एक सीटर कर रहे हैं, अब इनको 2 दिन 3 दिन करवाएंगे नहीं होगी, दूसरी स्टेप्स देंगे। इस तरीके से हमारे पास 200 अबव स्टेप्स है जो बच्चा करना चाहे तो कर सकता है, और इसी वजह से हमारे यहाँ बच्चे ज़्यादातर, ऑफ सीज़न होता है तो भी बहुत बच्चे होते हैं और ऑन सीज़न होता है तो बैच सारी फुल होती है, बिल्कुल जगह नहीं होती मेरी क्लास में। वियान कौन सी स्टेप है ये? गुड, वेरी गुड। निखिल क्या कर रहे हो आप? साइड वॉक अच्छे से, हाथ एक डाउन, मीडियम नमन। चलो आगे तक आओ, आगे तक आओ और आगे और आगे और आगे और आगे। तो आप देख सकते हैं किस एडवांस लेवल की स्टेप्स की, जैसे अभी ये बच्ची, अब देख लीजिए बैक नमन टर्न, बैकिंग में आना है नमन, और उसका टर्न भी देख लीजिए कितना स्मूथली टर्न करेगी ये बच्ची। पूरा टर्न दिव्यांशी, ओके। ठीक है, आप स्टेप करो, ब्रेक कार्तिक सही करो, आप दोनों डाउन, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ, पार्ट डाउन। आपको इस वीडियो में मेरा सिखाने का तरीका भी दिख जाएगा, मैं थोड़ा रूडली हूँ, रूड तरीके से सिखाता हूँ, ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो पाता हूँ मैं बच्चों से, क्योंकि मैं चाहता हूँ बच्चे या अभी 25 राउंड, ओके, बेंड करके अच्छी पोजिशन ला के। पानी पीना है, क्यों प्यास लग गई है? इधर देखो कैसे लगी, थक गए? अरे ना पानी पीना है? नहीं पीना है अनों को? तो नहीं पीना है आपको? प्यास लग रही है हिनाया? तो थोड़ी अभी थोड़ी देर से रेस्ट करा रहा हूँ, फिर पानी पी लेना। अब देख रहा हूँ दोनों में, तीनों में से कौन स्नेक वॉक सही करके बताता है, रियांश अर्णव, ओके, जो अच्छे से कर देगा उसकी स्टेप चेंज हो जाएगी। जल्दी हिनाया, देखो हिनाया को देखो, सबसे फर्स्ट हिनाया शो, जल्दी स्नेक वॉक, पैर कैसे रहेंगे? उस पैर के आगे, आगे से क्रॉस होगा, हाँ क्रॉस क्रॉस अगेन, पार्थ स्पीड डाउन, अवेश गो, क्या स्टेप है? किंग स्टेप्स और फ्लाई, ओके गुड, करनी थोड़ी स्पीड और लेफ्ट आगे, हिनाया अपर, अर्णव स्टेप, रियांश स्नेक वॉक, वियान एक सीटर, अनिका ओके, ठीक हो, कोई बात नहीं, गिरते रहते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस तरीके से सिखाया जाता है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी भी तरह के प्रोफेशनल स्केच चाहिए, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर इवनिंग में 7 to 9 के बीच में कॉल और व्हाट्सअप छोड़ सकते हैं, और एक लोगो दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक वीडियो दिख रही होगी उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।